जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटो वर्ल्ड। और गाइस मेरे सामने आज है द ब्रांड न्यू 2022 होंडा साइन 125। और आज बेसिकली मैं इसका एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। क्या है इस बाइक का स्पेसिफिकेशन 2022 में, इसमें आपको क्या नया अपडेट देखने को मिल रहा है, कितना इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल रहा है और कितना माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा तालतोला। आप लोग अगर कोलकाता के रहने वाले हो या फिर आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इस बाइक का वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। टोटल दो वेरिएंट के साथ आता है। दिस इज ड्रम वेरिएंट, आप सामने देख पा रहे हो ड्रम ब्रेक है, इसको छोड़ के और एक डीज वेरिएंट आता है। और कलर स्कीम की अगर बात करें तो टोटल 5 कलर स्कीम के साथ आता है। ब्लैक कलर, और दिस इज मेटालिक ब्लू, मेटालिक रेड, मेटालिक ग्रे एंड मैट एक्सिस ग्रे कलर आता है। टोटल 5 कलर स्कीम के साथ आता है। और इसका का ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 91,357 रुपीस अप्रॉक्स कोलकाता प्राइस। आपका स्टेट में इसका अगर ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। आपका स्टेट में इस बाइक का कितना ऑन रोड प्राइस है, अप्रॉक्स अमाउंट जो है मैं कमेंट के थ्रू जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी आते हैं इसका एक फ्रेश डिटेल्ड वॉक अराउंड, और वॉक अराउंड के थ्रू मैं बता दूंगा इसमें आपको क्या नया अपडेट देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड, स्टार्ट करते हैं सामने से। तो फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। और इग्निशन ऑन करने से ही ये जो हैलोजन हेडलाइट सेटअप जो है ये ऑन हो जाता है, मतलब लो बीम जो है ये ऑन हो जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो एक क्रोम सील दी गई है यहाँ पे होंडा का। यहाँ पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है, टिंटेड ब्लैक कलर में एक मीटर सील ऊपर में आपको देखने को मिलता है। और अभी फ़िलहाल के लिए इग्निशन को ऑफ करते हैं। और लो बीम एंड हाई बीम जो है इसके अंदर मिलता है। और क्रोम पार्ट्स जो है, काफ़ी सारा क्रोम पार्ट्स इस बाइक में आपको यूज़ की गई है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बल्ब इंडिकेटर दी गई है जो फ्लेक्सिबल है। स्टिकरिंग वर्क यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ मेटालिक ब्लू कलर। और फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई है। रिफ्लेक्टर जो है आपको दोनों साइड पर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। और ये जो मेटालिक ब्लू कलर है ये थोड़ा यूनिक कलर है, जो SP125 में जो ब्लू आता है वो ब्लू कलर ये नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ना लाइट कम है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट कलर जो है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आई थिंक आप लोग देख पा रहे हो यही जो है एग्जैक्ट कलर है। मैं आपको पूरा कलर स्कीम जो है दिखाने का फुल कोशिश कर रहा हूँ। एक कलर स्कीम थोड़ा लो लाइट है यहाँ पे। और नंबर प्लेट लगाने का जो जगह है यहाँ पे बेसिकली नंबर प्लेट लगेगा। मडगार्ड जो है प्लेन मेटालिक ब्लू कलर में मडगार्ड देखने को मिलता है। और फ्रंट टायर की अगर बात करें तो इसमें आपको TBS का टायर दी गई है, 80x118 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। और दिस इज़ अ 5-स्पोक एलॉय व्हील। इधर जो है आपको ड्रम पूरा मैकेनिज्म मिलता है, 130mm का आपको ड्रम मिलता है। और जो डिस्क वेरिएंट है उसमें आपको 240mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में। और ये बाइक जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है। डिस्क वेरिएंट भी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है, ड्रम वेरिएंट भी जो है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है। रियर ब्रेक अगर आप दबाएंगे तो फ्रंट ब्रेक जो है ऑटोमेटिक इंगेज होगा। और ये जो टायर मैं आपको पहले ही बता दिया, ट्यूबलेस टायर है, पूरा मैट ब्लैक कलर में आपको रिम मिलता है। अभी आते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। और इसका का माइलेज की बात करें तो आराम से आपको 50 से 55 KMPL का माइलेज डेफिनेटली मिलने वाला है। होंडा का यहाँ पे आपको 3D में लोगो देखने को मिलता है। और थोड़ा आपको ट्राई स्टार जैसा स्टिकरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख पा रहे हो ब्लू एंड एस कलर में आपको यहाँ पे टैंक के साइड पे स्टिकरिंग देखने को मिलता है। क्रोम पार्ट इसमें भी यूज़ की गई है। 125 का यहाँ पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। अभी मेन अपडेट की अगर बात करें ना, मेन अपडेट जो है इसमें है, मेन अपडेट आपको 610 इंजन कट ऑफ सेंसर मिल रहा है 2022 मॉडल से। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है 610 इंजन कट ऑफ का यहाँ पे आपको सिग्नल भी दिखाता है, वो मैं आगे आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी आते हैं इंजन की तरफ, उसके पहले फ्रेम बता देते हैं। तो इसमें आपको डायमंड टाइप फ्रेम यूज़ की गई है। लेग गार्ड जो है वो आपको एक्सेसरीज़ के दौरान लगवाना पड़ता है अलग से, और एक्सेसरीज़ बहुत कुछ है, आप अलग से शोरूम पे विजिट करके देख सकते हो। अभी आते हैं इंजन की तरफ, तो इसमें आपको 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दी गई है, जो लगभग 10.74 PS का मैक्स पावर जेनरेट करता है एंड 11 Nm का टॉर्क जेनरेट करके देता है आपको। और ये जो है 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। टो शिफ्टर एंड हिल शिफ्टर आपको दोनों शिफ्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। होंडा का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलता है।
और रबर कोटेड फुटपैक यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड एंड मिडिल स्टैंड दोनों स्टैंड ही मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 162 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात करें तो 791 mm इस बाइक का सीट हाइट है। और वेट की अगर बात करें तो लगभग 114 kg इस बाइक का वेट है। ड्राम एंड डिस वेरियंट का दोनों का सेम ही वेट है, कैसे ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उसका जो स्पेक सीट में लिखा था दोनों का सेम वेट है। और रियर सस्पेंशन जो है यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक्स ड्यूल सस्पेंशन दी गई है जो एडजस्टेबल है। डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म दी गई है। सीट कंफर्ट की अगर बात करें तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कुशनी सीट है, सिंगल सीट मिलता है और सीट काफ़ी स्पेसियस भी है। राइडर का स्पेस जो देख सकते हो, पिलियन का स्पेस भी काफ़ी है। और ग्रैब ग्रिल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, साइन का यहाँ पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है। और एग्जॉस्ट नोट जो है मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, तो एग्जॉस्ट पाइप जो है वही आपको SP125 में जो एग्जॉस्ट पाइप मिलता है वही यहाँ पे आपको दी गई है। क्रोम सील्ड इसके ऊपर दी गई है। डेफिनेटली ESP एनहांस स्मार्ट पावर होंडा का बाइक में बेसिकली यूज़ होता है। और इस बाइक में आपको किक स्टार्ट भी मिलता है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेलिटिक कन्वर्टर जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आते हैं रियर पोर्शन की तरफ, तो इग्निशन को और एक बार ऑन कर देते हैं। तो रियर में आपको हेलोजन हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। सो ये लाइट सेटअप जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, होंडा का यहाँ पे आपको स्टिकरिंग देखने को मिलता है, मडगार्ड और जो नंबर प्लेट लगाने का जो जगह यहाँ पे नंबर प्लेट लगा, बल्ब इंडिकेटर दी गई है जो फ्लेक्सीबल है। और रियर में आपको ड्रम मिलता है, बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म। रियर टायर की अगर बात करें तो सेम आपको 80x100 का 18 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है और TBS टायर इसमें यूज़ की गई है 5-स्पोक एलॉय व्हील के साथ। और अभी आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिलता है, लेडीज़ फुट रेस्ट भी जो है यहाँ पे आपको दी गई है। और हैंडल बार की अगर बात करें तो हैंडल बार यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रोम में आपको हैंडल बार मिलता है। इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच जो है यहाँ पे आपको स्विच दी गई है, और इंडिकेटर का स्विच, और दिस इज़ हॉर्न, हॉर्न जो है लाउड है, और दिस इज़ डीपर बटन, इसमें आपको पास बटन मिल जाता है, मतलब इसी में आपको हाई बीम का बटन मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। और क्लच की अगर बात करें तो क्लच भी लाइट है, बहुत ही लाइट है, मिरर भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, विजिबल है। और एक बार चाबी दिखा देते हैं, सो चाबी यहाँ पे आप देख सकते हो, होंडा का चाबी दी गई है, नॉर्मल की है। चाबी को लगा देते हैं एक बार, और ये फुल स्वाइप वगैरह कुछ नहीं लेता है, पूरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है। यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर, इंडिकेटर का जो सिग्नल है यहाँ पे आपको मिलता है, डिपर का सिग्नल, फ्यूल गेज शो करता है, न्यूट्रल का सिग्नल, और साइड स्टैंड इंडिकेटर जो है अभी रिसेंटली इसमें एड ऑन हुआ है, तो साइड स्टैंड जैसे गिरा दिया मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड स्टैंड जल रहा है, और दिस इज़ अ इंजन माल फंक्शन। अभी इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देते हैं, और होंडा का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है। सो अटेंशन टू डिटेल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बाकी स्विच पैनल वगैरह जो है वो पूरा SP125 से ली गई है। अभी इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। बाइक बहुत ही साइलेंट है, बहुत साइलेंट है, और रिफाइन भी है। डेफिनेटली बाइक बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है, बहुत ही स्मूथ है, होंडा का बाइक है, ऑब्वियसली रिफाइन तो होना ही है। और बाकी लाइट सेटअप जो है मैं आपको पहले ही दिखा दिया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये साइन 125 को कौन कौन भाई लेना चाह रहा है जरूर नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हो। और आपका स्टेट में इस बाइक का अगर ऑन रोड प्राइस जानना है, आपका स्टेट का नाम लिख के आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अप्रॉक्स अमाउंट जो है मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, सेफ राइड, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस।